हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कर्नाटक का पब्लिक सर्विस कमिश्नर के या कर्नाटक का PSC के बहुत सारे यहाँ पे जो कि रिक्रूटमेंट या जॉब वैकेंसी निकला हुआ है, इसके डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ाना जो जो न्यू जॉब वैकेंसी निकला होता है उसका डिटेल आप लोग के पास देता रहूँगा। तो दोस्तों, फर्स्ट जो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है उसका डिटेल्स जानने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, दो यहाँ पे तीन पोस्ट जो है रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जो है फर्स्ट पोस्ट मौलाना आज़ाद रेजिडेंशियल स्कूल RPSC इन हेडमास्टर एंड टीचर इन मल्टीप्लाई सब्जेक्ट। इसके साथ साथ मौलाना आज़ाद रेजिडेंशियल स्कूल HK इन हेडमास्टर एंड टीचर इन मखनन सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे है एक्साइज डिपार्टमेंट इन एक्साइज ऑफ सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2018 सेशन 2 असिस्टेंट और कंसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नोटिफिकेशन डेट 25/11/2017। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे निकला हुआ है हेडमास्टर एंड टीचर जॉब एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इसका जो जॉब डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें क्लिक करने के बाद इसका जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस जॉब का मैं डिटेल अभी आप लोग को बताऊँगा। तो इस जॉब का यहाँ पर जो कि 700 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है PSC ऑफ कर्नाटका, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 70 और लास्ट डेट 22 दिसंबर 2018। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट जो है डिवाइडेड कर दिया गया है, हेडमास्टर कनाडा लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, उर्दू लैंग्वेज टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, साइंस टीचर एंड सोशल साइंस टीचर। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको 12 पास होना चाहिए, उसके साथ साथ 12 एंड ग्रेजुएशन पास आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ BEd एंड DLed के आपको जो कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है यहाँ पे 18 to 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी रहेगा इसका 33,450 रुपीज़ टू 83,900। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपिटिटिव एग्ज़ाम जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे 600 रुपीज़ रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट, OBC के लिए यहाँ पे 300 रुपीज़ फॉर OBC 2A 2B 3N 3V, और अदर जो लोग हैं SC ST एक्स सर्विस मैन एंड PW एक्स सर्विस मैन के लिए 50 रुपीज़, और PWD के लिए यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का अप्लाई करने के लिए आपको आपको ऑनलाइन में जाके आपको अप्लाई करना होगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, ये था कर्नाटक PSC या कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की रिसेंटली जो जो पोस्ट निकला हुआ है उसका डिटेल। अगर आप लोग पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, उसका डिटेल उसका सोल्यूशन या उसका आंसर मैं जल्द से जल्द दे दूँगा। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के पेज है आप लोग वहाँ से जाके भी फॉलो कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।